नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी के नंबर वन एजुकेशन चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स में। टेंथ बोर्ड के एग्जाम और ट्वेल्थ बोर्ड के एग्जाम बहुत जल्दी अगले एक महीने के अंतर्गत होने वाले हैं, ये जानकारी एमपी बोर्ड ने पहले ही जारी कर दी थी। तो जो बच्चे परेशान हैं 10वीं 12वीं के आगामी पेपर्स को लेकर, तो हम उसमें कुछ जानकारी देंगे कि कौन कौन से पेपर होंगे और कौन कौन से पेपर नहीं होंगे। अगर हम बताएं दोस्तों को, नया टाइम टेबल जारी होगा बहुत जल्दी, और आज 15 तारीख है, आज से 4-5 दिन के अंदर नया टाइम टेबल आ सकता है और वो हम आपको जानकारी दे देंगे। 12वीं और 10वीं का जो टाइम टेबल आएगा 2020 का, वो हम आपको दे देंगे। और दोस्तों यहाँ पर आज हम हिंदी का पेपर करने वाले हैं, सेट सी। हिंदी का कौन सा करने वाले हैं? सेट सी। सेट ए सेट बी मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, अगर आपको सर्च करना हो एमपी का सेट ए सेट बी तो आप लिख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, टेंथ टेन लिख के टीएच, टेंथ हिंदी, हिंदी पेपर दिनेश ठाकुर। क्या लिखेंगे? दिनेश ठाकुर, ये लिख देना आप, तो आपको पुराने सेट ए सेट बी भी मिल जाएंगे और आने वाले जो पेपर हैं वो भी आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है 3 मई तक, तो 3 मई के पहले पेपर तो अभी होंगे नहीं, मई और जून के आसपास पेपर हो सकते हैं टेंथ और ट्वेल्थ के, जानकारी हम आपको देंगे। लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, बहुत सारे राज्यों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बढ़ा दिया है। और भैया देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षक मंडल भोपाल जो है, शिक्षा मंडल, उसने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू टेंथ के लिए और सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी टेंथ के लिए दिया हुआ है, ये करेंगे। ट्वेल्थ वाले बच्चे देख लें, बायोलॉजी, हायर मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति शास्त्र, बुक कीपिंग, व्यवसाय, क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, स्टिल लाइफ एंड डिजाइन, भारतीय कला इतिहास, शरीर रचना, क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य, विज्ञान के तत्व, वोकेशनल कोर्स और प्रथम द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न पत्र, ये होने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे हिंदी के पेपर की, वो भी हिंदी का सेट सी, ठीक है, क्योंकि सेट ए सेट भी ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। सॉरी, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हिंदी का सेट सी, जो कि कक्षा 10 टेंथ के लिए है। देखिए, समय रहेगा 3 घंटे का, पूर्णांक रहेंगे 100, 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रहेंगे, एक प्रश्न के अंदर 5-5 पार्ट रहेंगे, टोटल मिला के 25 अंक आपके हो जाएंगे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 से 16 तक के प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2-2 अंक के दे रहेंगे, 17 से 19 तक के 30 से 75 शब्दों में लिखना है आपको, अंक रहेंगे 3, ठीक है। 25 से 20 नंबर का जो प्रश्न रहेंगे, 25 से 20 नंबर के, उनके आपको लिखना है 75 से 120 शब्दों में और उनके अंक निर्धारित है 4। 26 से 27 तक प्रत्येक उत्तर जो है वो 120 से 150 शब्दों तक लिखना है, अंक है 5। और जो 28वां प्रश्न रहेगा उसको 200 से 250 अंक शब्दों में लिखना है, ध्यान रखना ये निबंधात्मक प्रश्न होते हैं और इसमें आपको लिखना है, और अंक है 10, लेकिन 2 में डिवाइडेड है, जिसमें आ पार्ट और बा पार्ट अगर देखा जाए, या फिर ऐसा देखें कि कोई बड़ा क्वेश्चन है उसको डिवाइड कर देंगे भाई कि इतने अंकों में डिवाइड रहेगा, तो 10 अंक रहेंगे 28 के। तो चलिए, जो लोग लाइव देख रहे हैं, जो लोग ये प्रीमियर है, बात आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जितने बच्चे देख रहे हैं ध्यान रखना क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लगाते जाना, और पुराने पेपर ढूंढने के लिए टेंथ पेपर या टेंथ एग्जाम एमपी बोर्ड एग्जाम दिनेश ठाकुर सर्च कर लेना तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय माना है, 4 ऑप्शन है, 1900, 1943, 1029, 1080। हाँ, एक बात और, हिंदी और 12वीं का केमिस्ट्री का पेपर मैं जो लेकर आ रहा हूँ उसका सोल्यूशन भी करवाऊंगा अगले हफ्ते से, अभी मैं आपको केवल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ, इसकी सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे हिंदी के भी, केमिस्ट्री के भी। तो निश्चिंत रहें, जो सेट ए सेट बी और सेट सी है इसके सोल्यूशन भी मैं इसी चैनल पर डालूंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बच्चों को बता दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, अगर मैं सोल्यूशन तभी डालूंगा जब मुझे 1000 व्यूज इस वीडियो पर आप प्राप्त करवा देंगे तो बिल्कुल सोल्यूशन डाल दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चल, दो हजार, 2000, 2000,
ठीक है, 2000 व्यू चाहिए। परीक्षा कहानी के लेखक हैं भाई, परीक्षा कहानी के लेखक है प्रेमचंद, श्रीलाल शुक्ल, राम रक्ष वैनीपुरी या हरि कृष्ण प्रेमी। सर्प को दूध पिलाने से दूध भी अमृत हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, विषैला हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। विदेश जाने पर कौन साथ देता है, धन विद्या रिश्तेदार या मान सम्मान। किस अलंकार में बात बड़ा चढ़ाकर कही जाती है, विक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति या यमक। निम्नलिखित जो रिक्त, अब देखो प्रश्न क्रमांक दो आ गया, पांच क्रमांक तक आपको पांच पांच पार्ट मिलेंगे और आपको एक एक अंक, रहेगा। इसका आंसर करवाऊंगा मैं, पर 2000 व्यू करवा दोगे तो मैं इसका करवा दूंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है ना। चलिए, रीतिका की प्रमुख प्रवृत्ति है, स्वामी रामतीर्थ कहां गए थे। देखो, भक्ति निरूपण या रीति निरूपण, तो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, भक्ति निरूपण या रीति निरूपण। स्वामी रामतीर्थ गए थे जापान या चीन में। राम नरेश त्रिपाठी खालिस्तान के कवि हैं, आधुनिक काल या भक्ति काल के। शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक खालिस्तान है, प्रवर्तक सुश्रुत या देवव्यास। छायावाद की विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण, यथार्थवादी चित्रण। प्रश्न क्रमांक तीन की बात करें तो भैया सही जोड़ी मिलाना है, का और खा दो कॉलम दिए हुए हैं। महाकाव्य 1907, थोड़ा ऊपर देख लेना, इसको लिख लेना अपने क्वेश्चन अभी पे। महाकाव्य 1907, देवप्यान कृष्ण लघु गुरु, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कामायनी, निंदा पूंजी होती है महर्षि वेदव्यास की, वर्णों के प्रकार निंदकों की, गरीबों की गोदान। तो देखो, देखिए ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आपको सही आंसर लगाना है, सही जोड़ी मिलाना है, ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे मित्रों, बिल्कुल प्रैक्टिस सेट पूरा लगा लेना। मैं अगले हफ्ते, या अगर 2000 व्यू आप करवा दोगे तो मैं अगले हफ्ते से इसके सोल्यूशन देना शुरू कर दूंगा, 10th 12th के दोनों के, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के एक काव्य में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रगतिवादी कविता का मूल स्वर क्या है, किस पेड़ की छाया में बैठना चाहिए, रामधारी सेन दिनकर किस प्रकार के कवि हैं, कपिलधारा क्यों पड़ा, स्थाई भाव किसे कहते हैं, एक एक शब्द के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन, नई कविता का युग 1950 का है, सॉरी, निम्नलिखित में से सत्य असत्य बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। नई कविता का युग 1950 का है, सच्चा धर्म एकांकी में पुरुषोत्तम कर्पकांडी ब्राह्मण है, महाजन का नाम शिबू था, भागिनी निवेदिता का नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था, रौद्रस्त का स्थायी भाव उत्साह होता है, इसमें सत्य और असत्य आपको बताना है, ठीक है। सॉल्यूशन में करवाऊंगा इसी चैनल पर नेक्स्ट वीक, अगर आप 2000 व्यू करवा दोगे इसका मतलब आपको शेयर करना अपने मित्रों के पास। जायसी ने अपनी कविता में कितने द्वीपों में भवनों की चर्चा की है, श्री कृष्ण के ललाट पर लगे टीके की तुलना जी, थोड़ा मैं आवाज कम कर दूं ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। तुलना किससे की गई है, तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदैव कौन विहार करते हैं, अथवा धन दौलत का अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सातवां क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदैव कौन विहार करते हैं और अथवा धन दौलत का अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक आठ है, प्रकृति चित्रण कविता में कवि के अनुसार घनेरी घटाओं का क्या प्रभाव हो रहा है, अथवा कबीरदास जी के अनुसार किस वृक्ष के नीचे विश्राम करना चाहिए। वीरों का कैसा हो वसंत कविता में कवि के अनुसार मनुष्य का भीतरी गुण क्या है, अथवा कल्याण की राह कविता में कवि किस के साथ चलने की बात कर रहे हैं। बुनियाद चरमनाने से कवि का क्या आशय है, अथवा चिर सजग से क्या अभिप्राय है। बिल्कुल दोस्तों, सोल्यूशन करवाऊंगा मैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सबके सोल्यूशन करवाऊंगा। उसके लिए आपको इस वीडियो को 2000 लोगों तक पहुंचाना है बस। परंपरा के लेखक का क्या अभिप्राय है समझिए। वृत्तियों को वश में करने के लिए मनोवैज्ञानिक क्या उपाय बताते हैं लिखिए। पुरुषोत्तम किसे सबसे बड़ा पातक समझता है लिखिए। परीक्षा कहानी में गाड़ी पर किसान का वेश किसने धारण किया था और क्यों लिखिए, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 4000 अंकों के क्वेश्चन हैं। गीता में पर का क्या अर्थ होता है लिखिए, अथवा बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को कौन सा उपहार दिया लिखिए। युधिष्ठिर, 14वां क्वेश्चन है, युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित कराने का निश्चय क्यों किया।
अथवा दीपक किस किस के नाम को नमन करता है और क्यों? 15वां क्वेश्चन, उदाहरण सहित विसर्ग संधि की परिभाषा लिखिए अथवा द्वंद्व समाज को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 है, हरिगीत का छंद का एक उदाहरण लिखिए अथवा दृश्य श्रव्य और श्रव्य काव्य में अंतर लिखिए। पुराणों के अनुसार नर्मदा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई अथवा ज्ञान और दीपक में क्या संबंध है लिखिए। रस की परिभाषा देते हुए उसकी निष्पत्ति तथा भेद लिखिए अथवा वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, 19वां, निम्नलिखित में किन्हीं तीन लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। भूत भरे पलित जागे, भूत मरे पलित जागे, गुदड़ी का लाल, आ बैल मुझे मार, और मान न मान मैं तेरा मेहमान। अथवा अगर आपको ये चारों नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं दोहा छंद का एक उदाहरण लिख सकते हैं, दोहा और छंद का एक एक उदाहरण लिख सकते हैं। रिपोर्टार्ज किसे कहते हैं, इसकी कोई दो विशेषताएं तथा रिपोर्टार्ज के लेखकों के नाम लिखिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार रिपीट भी हुआ है इसलिए ध्यान रखना, अथवा मैं करवाऊंगा क्वेश्चन के सॉल्यूशन, ठीक है। अथवा आत्मकथा में जीवन, आत्मकथा एवं जीवनी में तीन अंतर लिखिए एवं दोनों का एक एक उदाहरण लिखिए। नई कविता की कोई चार विशेषताएं लिखिए अथवा रीति की कोई तीन विशेषताएं लिखकर रीतिकालीन किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर दीजिए। दो रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सबके पढ़ने हैं। तुलसीदास अथवा महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। अविगत गति कछु कहत न आवे, जीव मूंगो मीठे फल को रस, अंत मन ही में भावे, परम स्वाद सब ही सुनितरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, जो जाने सो पावे, रूप रेख गुण जात जगत बिनु, निरालंब की धावे, सब विधि अगम विचार ही ते ताते, सूर सगुन लीला पद गावे। अथवा सूरदास जी का है ये, अथवा मन योग्य नहीं होत काऊ करो पद पाए, मन अयोग्य नर जे जे केवल परत ही जाए। पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करना है दोनों में से किसी एक का, जो आपको आसान लगे कर सकते हैं। मैं सोल्यूशन जरूर करवाऊंगा, बट आपको 2000 बच्चों तक पहुंचाना है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको इस वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। हमारे देश को दो बातों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक शक्ति बोध और दूसरा सौंदर्य बोध। बस हम यह समझ लें कि हमारा कोई भी एक काम ऐसा ना हो जो देश में कमजोरी की भावना को बल दे या कुरुचि की भावना हो। अथवा शास्त्रों में सत्य और असत्य की व्याख्या बड़ी बारीकी से की गई है। अनेक बार सत्य के स्थान पर मिथ्या भाषण सत्य भी बड़ी वस्तु होती है। जीवन में धर्म से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। धर्म की रक्षा यदि असत्य से होती है तो असत्य सत्य से बड़ा हो जाता है। पता नहीं क्या है ये, बट जो भी है गलत है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। 26वां प्रश्न आपको लगाना है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से अलग उसके अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। परिचित तो बहुत होते हैं परंतु मित्र बहुत कम हो पाते हैं, क्योंकि मैत्री एक ऐसा भाव है जिसमें प्रेम के साथ साथ समर्पण और त्याग की भावना मुख्य होती है। मैत्री में सबसे आवश्यक है परस्पर विश्वास। मित्र एक ऐसा सखा, गुरु और माता है जो सबके स्थानों को पूर्ण करता है। तो ये जो गद्यांश है इसका उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, मैत्री में कौन से भाव सम्मिलित हैं और उपरोक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, ये आपको प्रश्न करना है। 26वां, 27वां अथवा भी दिया हुआ है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मतभेद भोपाल को अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अथवा अपने मित्र को हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने पर बधाई पत्र लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 2 शब्दों में निबंध लिखिए। 200-250 शब्द तक लिख सकते हैं। कंप्यूटर आज की आवश्यकता, पर्यावरण प्रदूषण समस्या, स्वतंत्र भारत में नारी का स्थान, जीवन में खेलों का महत्व और महंगाई एक गंभीर समस्या। ठीक है, मैं आपको सोल्यूशन करवाऊंगा, बट आपको बस ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज और बता दूं दोस्तों, कुछ बच्चे पूछते हैं कि
आपका नाम क्या है और आप क्या काम करते हैं और आपने इतने सारे 10th और 12th के पेपर क्यों बनाए हैं? तो दोस्तों मैं आपको मेरा परिचय दे देता हूं। मेरी टीम भी है यहां पर, राजू श्रीवास्तव मैडम, श्रीवास्तव, बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके होंगे और हमारे साथ पढ़ रहे हैं। साथ में यहाँ पर राम सर हैं, सूरज जी है, हिमांशु जी, अंगूर जी हैं। मेरा नाम है दिनेश ठाकुर, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ दीप्ति सिंह अकेडमी इंदौर। 13 साल से अधिक मुझे पढ़ाने का अनुभव है और 6.5 लाख से ऊपर बच्चे पढ़ा चुका हूँ। 6 लाख लिखा है, 6.5 हो चुके हैं इस महीने। इसके लिए आप समझ सकते हैं कि मुझे एक्सपीरियंस आपको पढ़ाने के लिए काफ़ी दिनों का है। MPG के पढ़ाता हूँ मैं। देखिए, गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं आप, तो ये 3 टाइम है जिसमें मैं आपको कुछ ना कुछ पढ़ाता हूँ। और अनअकैडमी जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ 2 साल से, यहाँ पर 5 लाख बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। आप भी 10th 12th की, अगर बच्चे CBSE वाले हैं उनको बता सकते हैं, 10th 12th की क्लासेस चालू हो चुकी है अनअकैडमी पर। कैसे ज्वाइन करना है, देखिए अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, और यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें, यहाँ पर आपको चूज योर गोल पूछेंगे, तो गोल चूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, MPPSC, व्यापम, SSC, बैंक, कुछ भी आप कर रहे हो, रेलवे, कुछ भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं आप, आपके फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं उनको बता सकते हैं। टेट वाले बच्चे, टीचर्स इंटरव्यू टेस्ट, और भी एग्जाम है, और मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे अनअकैडमी में जाके फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे फ्री लेक्चर्स मिल सके। कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। लेकिन यदि आप पेमेंट पेड कोर्स लेना चाहें, कभी भी कोई भी बच्चा आपका पेमेंट कोर्स लेना चाहे, जैसे अपन कूपन कोड लगाते हैं ना इसमें पेटीएम में और अदर जैसे एप्लीकेशन ऐप में, स्विगी में लगाते हैं कूपन कोड, वैसे ही यहाँ पर जब भी फीस पे करेंगे, DT Live कूपन कोड, रेफरल कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट जो समय का चल रहा है। तो 12 महीने, 24 महीने, 6 महीने कोई भी कोर्स आप लेंगे, तो पेमेंट करने से पहले रेफरल कोड DT Live यूज़ कीजिएगा। अपने मित्रों को बताइएगा और घर में रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरा रेफरल कोड जरूर याद रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें तो आपको सोल्यूशन करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू, जय हिंद।